बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूपी माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड को हाईटेक करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप संस्कृत शिक्षा बोर्ड अब पढ़ाई के हाईटेक तरीके अपनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, संस्कृत से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब निजी व सरकारी क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए योजना लाई गई है। इस पर हमारे संवाददाता अनुप त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की चेयरमैन डॉक्टर सरिता तिवारी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, कुछ देर पहले ही जारी हुआ है। और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की अध्यक्षा मैडम। मैम, रिजल्ट जारी हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही आपने जारी किया है। जो छात्र पास हुए हैं और तमाम ऐसे भी छात्र रहे होंगे जो फेल हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और श्रेणी में भी उनके बहुत नंबर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें। और एक चीज़ ये है कि संस्कृत में जो बच्चे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनको कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हम सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं। कहीं कहीं कोई चूक हो जाती है, कहीं कहीं कोई चीज़ ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हूँ कि उतना अच्छा उन्होंने न किया हो, उनका ऐसा वर्क पूरा ना हो पाया हो। फिलहाल उन्हें पूरे उत्साह से, पूरे मनोयोग से और पूरे अपनी धैर्य और ऊर्जा से पढ़ाई करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैम, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है कि संस्कृत के जो छात्र हैं वो आगे स्कूलों में अध्यापक बनने के सिवा और अच्छा कुछ कर सकें और क्षेत्र में जा सकें, क्या बोर्ड की तरफ से इस तरह की कुछ प्लानिंग है, कोई तैयारी है? जी हाँ, इस संदर्भ में जो बच्चे शिक्षक बनने की जहाँ तक बात है तो संस्कृत तो शिक्षा का बिल्कुल स्रोत है, उसमें हमारी संस्कृति है, सारी चीज़ें हैं, हमारी सारी जानकारियां हैं उसमें, उसमें वेद है, गणित है, सारी चीज़ें हैं, हमारा अर्थशास्त्र है, हमारा ज्योतिष शास्त्र है, बहुत बहुत कुछ है। लेकिन ये संस्कृत जो है वो शिक्षक बनाने के साथ साथ इसमें ये भी एक बहुत अच्छी संभावना है कि हमारे यहाँ जो कंप्यूटर, जो टेक्निकल अभी एडवांसमेंट की बात आ रही है, बच्चे आगे बढ़ें और भविष्य में अच्छा करें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो और डिफरेंट क्षेत्रों में जा सके। तो ऐसा नहीं कि संस्कृत के छात्र नहीं जा सकते हैं, अभी तो बच्चों को हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए और कंप्यूटर की जानकारी होने पर इन बच्चों को, जैसे माध्यमिक में किया जा रहा, माध्यमिक शिक्षा में प्रयास किया जा रहा, संस्कृत परिषद भी इस विषय में बहुत ही अपना प्रयास कर रहा है कि बच्चे कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर एक की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें जो संस्कृत भाषा है उसका जो उसकी जो लिपि है वो कंप्यूटर से बहुत ही उसके डिजिटल से मैच करता है। तो ये बच्चे अगर कंप्यूटर में पढ़ लेंगे, उसको जान जाएंगे, उसको आगे बढ़ेंगे तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर हम उन विधाओं के माध्यम से या इसमें जो और भी रीसेंट जो अभी उपलब्धियां हो रही हैं तो इस टेक्निकल व्यवस्था में, इस डिजिटल व्यवस्था में वो उनके लिए ऐसे कि वो डिफरेंट और क्षेत्रों में जैसे हमारा खगोल है या मैथमेटिक्स है या हमारा और भी जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं सब में वर्क कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, ये मैम बहुत एक अच्छी पहल है कि रोजगार के क्षेत्र में संस्कृत से अलग भी तमाम अलग अलग जो नए सेक्टर्स हैं प्राइवेट और गैर सरकारी या फिर सरकारी, उनमें भी संस्कृत छात्र जा सकेंगे। जी, जो अन्य सेक्टर हैं उसमें जा सकेंगे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि शिक्षक बनना ही कोई उनके लिए मजबूरी है। और एक चीज़ और भी है, संस्कृत के छात्र जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे,
मैं तो ये कंप्यूटर की हम लोग बात करें, लेकिन ये इसके बाद भी मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमारे संस्कृत के छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके लिए पूरे चांस हैं, पूरे उनके लिए रास्ते हैं, क्योंकि इसमें तमाम विषय हैं ना। संस्कृत माने संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृत माने वो तमाम विषयों का स्रोत, उसमें सारी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग इस ओर वर्क कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की शिक्षकों की अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने पंचांग बनाया है, और वो पंचांग बच्चों को पढ़ाने में जो उनको सहयोग करेगा टीचर्स को, वो बहुत ही अच्छा हम समझते हैं कि भविष्य देगा। मैम, ख़ास तौर पर अगर हम संस्कृत शिक्षा बोर्ड की बात करें, अन्य बोर्डों की तरह ये बोर्ड भी हाईटेक हो और सामान्य श्रेणी में आ जाए, जैसे कि दूसरे बोर्ड काम करते हैं और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए, लेकिन संस्कृत बोर्ड मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो इसको आगे लाने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आगे? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पनाओं में, उनके विचारों में है कि संस्कृत का बहुत ही संवर्धन किया जाए, बहुत आगे बढ़ाया जाए। और माननीय मंत्री जी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनका भी, उनकी भी इच्छा है, उनका भी डायरेक्शन है, और हमारी ACS महोदया का भी ये एक डायरेक्शन है कि संस्कृत परिषद को डेवलप करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसकी बहुत सारी सुविधाओं को उन्नत करने में और उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाए, इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। आप थी डॉक्टर सरिता तिवारी, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा बोर्ड की चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृत छात्रों को अब सिर्फ संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक के रूप में ही नहीं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भी ले जाने की तैयारी है कि जब वो पढ़कर निकलें तो तमाम अलग अलग सेक्टर्स में भी उनको जॉब मिल सके। और इसके साथ ही जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड है उसको भी हाईटेक किया जा रहा है, ताकि जो आधुनिक शिक्षा है, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो या तमाम अलग अलग निजी सेक्टर्स की बात हो, वो शिक्षा भी संस्कृत छात्रों को दी जा सके। लखनऊ से ब्यूरो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।